भैया जिंदाबाद, कबलू भैया जिंदाबाद, कबलू भैया मत कबर कबलू भैया मत चाइना बने जिंदाबाद। नेता कैसा हो, दलितों के नेता कैसा हो, मंगरू जादव के घर से जो गिंदर जादव के घर तक ये लोगों को बरगला रहा है, अपने बारे में ये आदमी नहीं बता रहा है कि 3 वर्ष पहले हमने क्या किया। 10-10 फोटो वायरल हो रहा है, कहां ये ट्रेनिंग ले रहे थे, किस ट्रेनिंग कैंप में, किस संस्था में, वो यहां के लोगों को नहीं बता रहे हैं। रात को ले जाकर भोले भाले लोगों को मंदिरों में कसम खिलवा रहे हैं, इनसे होशियार रहना है, इनको देखते ही सावधान हो जाना है, ये जलिया लोग है। उसी में एक गद्दार जो 30 वर्षों से मेरे साथ था इस गांव का, उन लोगों से हाथ मिला लिया, सबको ब्लैकमेलिंग कर रहा है। नाम रखने की जरूरत नहीं है, ना वो किसी लायक हैं। आप लोग समझ लीजिएगा, सबसे बड़ा उन लोग से कम बड़ा गद्दार ये नहीं है। 30 वर्ष तक ये आदमी मेरे साथ था, हर एक इसके दुख सुख में हमने काम किया है, कहीं इस आदमी को नहीं छोड़ा। लेकिन एक साजिश के तहत या हमारे दुश्मनों से हाथ मिलाकर आज सरपंच के चुनाव लड़ रहे हैं, इनको इनका औकात बता देना है। आज सब उस वक्त मुझे खुशी होगी कि जिस जब इनको इस गांव में पता चल जाए कि मेरे साथ गद्दारी करने का अंजाम क्या हो रहा है इनका। साथियों, चूंकि समय कम है और जगह घूमना है, सारी बातों पर ख्याल रखना है, सांप्रदायिक शक्तियों को अपने पंचायत में नहीं बढ़ने देना है, अमन चैन शांति बनाए रखना है। एक और भाषा निकला है कि बदलाव कीजिए आप लोग। भाई कैसा बदलाव ये लोग चाहते हैं, क्या गड़बड़ी आ गया क्या बदलाव? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने बैठ के ये लोग डिबेट कर लें कि कहां हम लोगों ने कोई गलत काम किया है या हम लोगों ने विकास नहीं किया है। आज भी आप लोगों से कह रहे हैं कि हम अगर काम किए हैं तो आप लोग मेरे पत्नी को और इस पंचायत की वर्तमान सरपंच को वोट दीजिए, अगर नहीं किए हो तो आप मुझे वोट मत दीजिए। इस पंचायत का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हम लोगों ने रोड और नाला, जल नल का काम या जरूरत की और कोई सुविधाएं हैं तो हम लोगों ने किया है और उस गांव को दिया है। तो आप लोग इन बारूपिया लोगों के चक्कर में न आइए, यही मेरा आपसे आग्रह है, आपसे विनती है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और इस समय हमारी टीम पहुंची है हसनपुरा प्रखंड के शेखपुरा पंचायत में, और आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पैदल यात्रा करते हुए इस पंचायत के हर घर को टच करते हुए सभी से मुलाकात कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। मुखियापति साहिना परवीन, मुखियापति हामिद रजा खान उर्फ डब्लू खान, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मुद्दा और भी कुछ जानेंगे। आइए मिलते हैं इनसे। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके चैनल को भी स्वागत है, आपके दर्शकों को भी स्वागत है। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो संपर्क है, जनसैलाब है, जो आपके लिए प्यार है, ये विकास दर्शाता है इस पंचायत में कि आपने कितना काम किया है, उसके बारे में बताइए। मैं जब घर से निकलता हूँ, खास करके पॉलिटिकल कार्यक्रमों में अपने पंचायत में, तो इसी तरह जनसैलाब उमड़ता है। चूँकि उम्र अभी कम है आपका, अभी नए नए चैनल वाले आप हैं, लेकिन जो लोग पुराने हैं वो लोग मुझे जानते हैं। सर, विपक्ष में जो प्रतिबंधित है वो इस तरह का बयान दे रहे हैं महिलाओं के ऊपर, एक प्रत्याशी के नाते कितना हद तक वो सही है? देखिए, उन पर तो हम चुनाव बाद जो ईंटा वो रोड का उखाड़ कर बेच दिए हैं उनके ऊपर हम FIR कराएंगे। आ रहा कि मैं उनके पत्नी पर नहीं बोल सकता जी, चूँकि आप देखते होंगे जदयू के अजय सिंह जो हैं कविता सिंह के पति, अगर वो कुछ भी बोलते हैं मेरे पार्टी के खिलाफ, मेरे नेताओं के खिलाफ, मैं फौरन बोलता हूँ। लेकिन कविता सिंह के खिलाफ मैं नहीं बोलता,
उनके माता जी के खिलाफ कभी मैंने नहीं बोला, क्योंकि हम लोग महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं और सम्मान करते रहेंगे। वो जो बोले हैं, अगर मेरे पत्नी पर कोई टिप्पणी टिप्पणी किए हैं तो उनका संस्कार, उनको मुबारक हो। मेरा संस्कार वैसा नहीं है कि हम महिलाओं पर बोले। सर, आपने इतना विकास किया है, ये गली गली भी लड़के, एक लड़के का जुबान पे रहता है, बच्चे बच्चे का जुबान करता, फिर भी उन्होंने बोला है कि मुखिया जी जो हैं वो दर्शन नहीं देते हैं। देखिए कौन क्या बोल रहा है, वो यहाँ का नटवर लाल हैं, आप पता कीजिएगा उनके ठीक से बारे में। तो नटवर लाल हैं, ये सब दंगाई लोग हैं, ये लोग RSS के कैंप में ट्रेनिंग लिया है, ये लोग नागपुरिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये लोग किसी के इज्जत आबरू की इज्जत आबरू नहीं समझते हैं। ये लोग दिखाने के लिए कुछ बोलेंगे, इन लोगों का खाने का और दिखाने का दांत अलग अलग है, लेकिन मेरा जो दिल में है वो जुबान पर है। पूरी पंचायत की जनता जानती है कि डब्लू खां का दिल में कोई गंदगी नहीं है किसी के प्रति भी, जो बोलना होगा सामने बोलेंगे।